अपनी भारतीयता को अंदर जगाना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे देश में कितनी सुंदर व्यवस्था है। हम कोई एक विशेष धर्म की बात नहीं करते, एक विशेष ग्रुप की बात नहीं, संघ की बात, पर यह बात है हमारे अंदर बसे हुए उस कुंडलिनी की बात, जिसके जागरण से आपको आत्म साक्षात्कार होता है। और ये आत्म साक्षात्कार होने के बाद जो आपके आत्मा का प्रकाश है वो आपको पूरी तरह से संभालता। आपको किसी का भला बुरा सोचने की जरूरत ही नहीं। आपको अगर कोई परेशान करे तो उसको परेशान करने वाले बैठे हुए, आपसे उनसे कोई मतलब नहीं, वो अपना संभालेंगे। अब मैं कहूं कि इसको संभालने वाले शिव जी हैं तो फौरन मुसलमान डंडा लेके मुझे मारने को आएंगे, ईसाई कहेंगे आप कैसे कहते हैं, और अगर मैं ये कहूं कि मक्का में मक्केश्वर शिव हैं तो और भी बिगड़ेंगे मेरे ऊपर। और सही बात यह है कि मक्का में मक्केश्वर शिव है। इनसे पूछे कि आप पत्थर क्यों पूछते हो, क्यों पत्थर के पीछे चारों तरफ घूमते हो, इनसे पूछना चाहिए, तो इनको उसका जवाब नहीं, इसलिए कि साक्षात शिव का स्थान है। और शिव जी और मोहम्मद साहब कोई दो दूसरे नहीं थे। मोहम्मद साहब भी आदि गुरुओं के एक अवतरण थे, यह हम कह सकते हैं कि वो उसके अवतरण थे, आप चाहे माने या न माने। उसका जो पूरी तरह से अगर जानना हो तो जब आपको आत्म साक्षात्कार होता है तो आप देखिए आपके उंगलियों में आपको पता होता है कि किसके कौन से चक्र पकड़े, उंगलियों में, कोई मशीन नहीं चाहिए, कुछ नहीं। और मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब कियामा आएगा, माने जब आपके ऊपर आशीर्वाद आएगा और आपका परिवर्तन होगा, जब कियामा आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे। लेकिन अगर मुसलमान दूसरे रास्ते चले गए और हिंदू अगर तीसरे रास्ते चले गए और बाकी ईसाई चौथे रास्ते चले गए, उसको ये लोग क्या करें। इन्होंने तो अध्यात्म की ही बात की थी और इसी कियामा की बात की थी, इसी परिवर्तन की बात की थी। और हिंदू धर्म में तो हरेक ने कहा था कि ऐसा समय आने वाला,